बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं। लाखों करोड़ों, अभी कुंभ लगने जा रहा, ना एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई का एक बड़ा बयान इस वक्त सियासी गलियारों में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल उन्होंने साधु संतों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। चलिए आपको सुनवाते हैं अफजाल अंसारी के किस बयान को विवादित बताया जा रहा है। बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं। लाखों करोड़ों, अभी कुंभ लगने जा रहा, ना एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। सपा सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि साधु संत महात्मा और समाज के बहुत लोग गांजा बड़े शौक से पीते हैं, और अगर प्रयागराज में लगने वाले कुंभ में एक मालगाड़ी भरकर गांजा भेज दिया जाए तो सारा खप जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। इसके आगे अफजाल अंसारी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए गांजा को लेकर जो मांग रखी वो सुनिए। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई, ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट। गाजीपुर सांसद का साफ कहना है कि गांजा कानूनी तौर पर अवैध है, लेकिन पीने पर छूट है। भगवान का प्रसाद और भगवान की बूटी कहकर सब पीते हैं, ऐसी दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि कानून में बदलाव करके भांग की तरह इसे भी वैध किया जाए। अखिलेश के दिग्गज नेता की इस मांग पर सरकार गौर करेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन साधु संतों को लेकर दिया उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, और कुछ लोग इसी बयान को सुनकर अफजाल अंसारी की निंदा कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले अखिलेश ने माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है कहकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी, और अब उनके ही सांसद अफजाल अंसारी ने साधु संतों पर इतना बड़ा बयान दे डाला है। क्या आप उनके इस बयान से सहमत हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।